इतनी देर से साइकिल चला रहा हूँ, अब तो मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर दीपक एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक जोरदार आवाज से उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल उसकी साइकिल लेकर भाग रही है। अरे मर गया, अरे ये चुड़ैल तो मेरी साइकिल लेकर भाग रही है, अरे कोई तो मेरी साइकिल बचाओ। फिर एक दिन दो औरतें उस जंगल से गुजर रही होती है। आज तो हमें बाजार से लौटने में बहुत देर हो गई। हाँ तुमने सही कहा, आज भी अगर मैं देरी से घर पहुँची तो मेरा पति तो बहुत नाराज हो जाएगा। तभी उन दोनों औरतों के पीछे से चुड़ैल उड़ती हुई आती है और दोनों की चोटी एक साथ काट लेती है। ओह, मेरी चोटी! अरे मर गई रे! अरे तेरा नाश पीटे, हमारी चोटी काट कर ले गई। अब तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तेरा सत्यानाश हो। देखते ही देखते गांव में उस चुड़ैल का डर चारों ओर फैल जाता है। एक दिन रमेश अपनी पत्नी के साथ उस जंगल से गुजरते हुए अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान क्या कर रही हो, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ, रात होने से पहले हमें गांव पहुंचना है। और कितनी तेज चलूं जी, आप तो हर वक्त बस मुझे डांटते ही रहते हैं। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई आती है और रमेश के बाल पकड़कर हवा में उसे उड़ा कर ले जाती है। अरे मर गया रे, अरे चुड़ैल तू मुझे कहाँ लिए जा रही है, अरे कोई तो बचाओ रे। हाय मेरे पति को चुड़ैल उठा कर ले जा रही है, कोई मेरे पति को बचाओ। चुड़ैल की रोज रोज की इन हरकतों से तंग आकर एक दिन सभी गांव वाले इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। अरे मुखिया जी बाहर आइए। तभी मुखिया घर से बाहर आते हैं। अरे क्या बात है भाइयों, आप सभी गांव वाले यहां एक साथ क्यों आए हैं? तभी विमला कहती है, अरे क्या बताऊं मुखिया जी, उस जंगल वाली चुड़ैल ने तो मेरी चोटी काट ली। अरे क्या बताऊं मुखिया जी, वो चुड़ैल तो मेरी नई साइकिल लेकर 9-2-11 हो गई। तभी रमेश की पत्नी कहती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो चुड़ैल तो मेरे पति को ही उड़ा कर ले गई। तभी मुखिया कहते हैं, अब आप लोगों से क्या छुपाऊं, वो नाश पीटी चुड़ैल मेरे सर की पगड़ी उड़ा कर ले गई है। मैं भी जंगल से जा रहा था तभी चुड़ैल उड़ती हुई आई। अब ये पगड़ी मैं पहनूंगी। अरे अरे मेरे पगड़ी! फिर मुखिया जी उदास होकर कहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी गांव वालों की भीड़ में खड़ा बब्बन मुखिया जी के सामने आकर कहता है, मुखिया जी आप चिंता ना करिए, मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगी। तभी गिरधारी कहता है, बड़ा आया चुड़ैल को सबक सिखाने, बेटा अभी तुम्हारा बाला उस चुड़ैल से पड़ा नहीं है। अरे बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है, कुछ करके दिखाओ तुम माने। तो ठीक है, कल मैं अकेला जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन बब्बन उस जंगल में पहुंच जाता है और चुड़ैल को आवाज देने लगता है। अरे चुड़ैल दीदी कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तभी चुड़ैल बब्बन के सामने आ जाती है। आज पहली बार कोई इंसान मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल में आया है। अरे तू कहाँ से आया है और मेरे लिए क्या खुशखबरी लाया है? मेरा नाम बब्बन है और मैं चुड़ैलों के राजमहल से आया हूँ। चुड़ैलों की रानी पुतना ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूँ, और अगर तुम परीक्षा में पास हो जाती हो तो तुम बाकी चुड़ैलों के साथ उस राजमहल में हमेशा के लिए रह सकती हो। चुड़ैल खुश होकर कहती है, क्या तू सच कह रहा है, मुझे चुड़ैलों के राजमहल में रहने का मौका मिलेगा? अरे अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा, वैसे भी मैं इस जंगल से तंग आ चुकी हूँ। हाँ हाँ तुम्हें राजमहल में रहने का मौका मिलेगा, चलो पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और तुम उनसे क्या क्या कर सकती हो।
मैं गायब हो सकती हूँ, बड़े बड़े हाथियों को हवा में घुमा कर फेंक सकती हूँ, और इतना ही नहीं, मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। ये सारी खूबियाँ तो सभी चुड़ैल में होती है। कुछ और बताओ, जैसे कि क्या तुम अपने शरीर का आकार घटा बढ़ा सकती हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं चाहूँ तो अपने शरीर को एक छोटी सी चींटी के जितना छोटा बना सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इस बड़े से पेड़ से भी बड़ी बन सकती हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, आँखों से देख लूंगा तभी मानूंगा। फिर बब्बन एक कांच की बोतल नीचे जमीन पर रख देता है और उस चुड़ैल से कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इस बोतल के अंदर समा गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बाकी चुड़ैलों से ज्यादा ताकतवर और गुनी हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाती हूँ। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल अपने शरीर को छोटा करके जमीन पर रखी बोतल के अंदर चली जाती है। तभी बब्बन जल्दी से उस बोतल का मुंह ढक्कन से बंद कर देता है। बड़ी आई थी राजमहल में रहने वाली, अरे चुड़ैल आज से ये कांच की बोतल ही तेरा राजमहल है। फिर बब्बन उस बोतल को ले जाकर बहती हुई नदी में फेंक देता है, और इस तरह बब्बन अपनी होशियारी से उस चुड़ैल को सबक सिखाता है। शिक्षा, हिम्मत और होशियारी से दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।